तो दोस्तों Vivo TWS Neo आज इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और इस वीडियो के अंदर मैं Vivo TWS Neo को कंपेयर करने वाला हूँ Realme Buds एंड Neo के साथ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा ईयरफोन लेना चाहिए। तो चलिए ये कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो Realme Buds एंड Neo में 13 mm का ड्राइवर मिलता है एंड Vivo TWS Neo में 14.2 mm का ड्राइवर मिलता है। Realme के ईयरफोन में SBC एंड SBC का कोडेक मिलता है एंड ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी मिलती है। Vivo के ईयरफोन में कोलकॉम का APTX कोडेक मिलता है और यहाँ पर ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिलती है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी Vivo के ईयरफोन की बहुत अच्छी होने वाली है Realme के ईयरफोन के कंपेयर में। और Realme के ईयरफोन में हमें 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है और केस के साथ यहाँ पर 17 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। Vivo के ईयरफोन में हमें 5.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है और केस के साथ यहाँ मिलता है 27 घंटे का बैटरी बैकअप। और गेमिंग के लिए दोनों ही ईयरफोन्स में हमें लो लेटेंसी का सपोर्ट मिलता है। Realme के ईयरफोन में 119.2 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है और Vivo के ईयरफोन में 88 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है, जिसकी वजह से Vivo के ईयरफोन में हमें लैग बहुत ही कम दिखने को मिलने वाला है Realme के ईयरफोन के कंपेयर में। Realme के ईयरफोन में IP64 की रेटिंग मिलती है एंड Vivo के ईयरफोन में IP54 की रेटिंग मिलती है। और दोनों ही ईयरफोन्स में हमें इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिलता है। और अब बात करते हैं दोनों ईयरफोन्स में हमें डिजाइन कैसी मिलती है। तो दोनों ही ईयरफोन्स हाफ इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं और दोनों ही ईयरफोन्स की डिजाइन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपको इन दोनों ईयरफोन्स में से कौन सी डिजाइन अच्छी लगती है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और Realme के ईयरफोन में हमें 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और ये तीनों कलर्स है व्हाइट, रेड एंड ग्रीन कलर। Vivo के ईयरफोन में हमें ब्लू एंड व्हाइट कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है और Realme के ईयरफोन में Realme का कस्टम R1 चिपसेट देखने को मिलता है। Vivo के ईयरफोन में कोलकॉम का चिपसेट मिलता है। और अब बात करते हैं दोनों ईयरफोन्स की प्राइस क्या है। तो Realme के ईयरफोन की प्राइस है 2,999 रुपीज और Vivo के ईयरफोन की प्राइस है 5,990 रुपीज। और अब बात करते हैं आपको कौन सा ईयरफोन लेना चाहिए। तो अगर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए और कनेक्टिविटी भी अच्छी चाहिए तो आपको लेना चाहिए Vivo TWS Neo। बट अगर आपको बजट में कोई TWS ईयरफोन चाहिए तो आपको लेना चाहिए Realme Buds Air Neo, ये भी बहुत ही अच्छा ईयरफोन है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो Vivo TWS Neo वर्सेस Realme Buds Air Neo। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।